एक शाम संध्या का पति आरव ऑफिस से घर आया तो कहने लगा कि आज तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम एक मूवी देखने के लिए चलते हैं और डिनर भी हम बाहर ही कर लेंगे। संध्या कहने लगी, अरे तूने अचानक से प्रोग्राम कैसे बना लिया, अभी तो शाम का खाना भी नहीं बना है। तो वह कहने लगा कि हम खाना बाहर से लेकर आ जाएंगे। संध्या कहने लगी, लेकिन हमें तो आते आते देर हो जाएगी, तब तक मम्मी और पापा जी ऐसे भूखे थोड़ी न रहेंगे, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, तो मैं आज शाम को नाश्ते में कुछ हैवी बना देती, फिर दिक्कत नहीं होती। एक काम करते हैं, हम कल मूवी देखने जाएंगे और कल मैं पहले से ही सारी तैयारी करके रखूंगी। यह देखकर आरव का मन खुशी से भर आया। वह कहने लगा कि तुम कितनी अच्छी हो, जो केवल अपने बारे में ना सोचकर मेरे मम्मी पापा के बारे में भी सोच रही हो। संध्या धीरे से मुस्कुराते हुए बोली कि वह केवल तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, बल्कि मेरे भी मम्मी पापा हैं। अगर उनकी जगह मेरे मम्मी पापा होते तो मैं उनकी भूख प्यास का ध्यान नहीं रखती क्या। यह सुनकर आरव ने उसे गले से लगा लिया, क्योंकि उसे पत्नी की बातों पर बड़ा प्यार आ रहा था। वरना बहुत सी औरतें तो ऐसी होती हैं जो अपने सुख के चक्कर में सास ससुर की सेवा करना ही भूल जाती हैं, लेकिन संध्या को उसके माता पिता ऐसे संस्कार देकर विदा किया था कि अपने सास ससुर को भी माता पिता की तरह ही समझना। तो मम्मी पापा की इसी सीख को गांठ बांध कर वह ससुराल आई थी और इसी बात को ध्यान में रखकर कोई भी काम करती थी कि उसके सास ससुर को कभी कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए उसके ससुर जी उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसकी सास जरा अलग ही स्वभाव की थी। वह घर में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कभी खुलकर बहू की तारीफ नहीं करती थी और उसे ज्यादा भाव भी नहीं देती थी। अगले दिन जब दोपहर के खाने के बाद संध्या ने अपनी सास को बताया कि आज शाम को मैं मूवी देखने के लिए जाऊंगी और हम लोग डिनर भी बाहर करके आएंगे, आप लोग कहिए तो आप लोगों के लिए भी हम लोग डिनर बाहर से ही लेकर आ जाएंगे और शाम को मैं कुछ हैवी नाश्ता बना दूंगी, तो उसकी सास कुछ सोचते हुए कहने लगी, नहीं बहू, बाहर का हम नहीं खाएंगे, शाम को मेरे लिए वेजिटेबल पुलाव रायता और थोड़ी खीर बना लेना, हम लोग वही खा लेंगे। वैसे तो संध्या को खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह सोचने लगी कि अगर मम्मी जी बाहर से खाना खाने के लिए कह देती तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। खैर, उसे शाम को 5 बजे निकलना था तो खाना बनाने की तैयारी वह दोपहर में 3:30 बजे से ही करने लगी। तब उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, तुम्हारे चक्कर में हमें आज ठंडा खाना ही खाना पड़ेगा। यह सुनकर वह हैरान रह गई कि उसकी सास यह नहीं देख रही है कि वह दोपहर के खाने के बाद आराम करने की बजाय तुरंत ही रसोई में उनके लिए खाना बनाने के लिए घुस गई है, बल्कि उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि उन्हें ठंडा खाना पड़ेगा। वह धीरे से बोली, मम्मी जी, खाना गर्म करके खाया जा सकता है, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसकी सास कहने लगी, अब धीरे धीरे तुम्हारा मुंह भी खुलने लगा है, चुपचाप जो कहा है वह करो। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली गई। संध्या का मूड थोड़ा खराब हो गया था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन इन सब चक्करों में वह शाम खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। शाम को जब वो आरव के साथ बाहर निकली तो पिछली सारी बातों को भुलाकर उसने उस रात को खूब एंजॉय किया। हालांकि वह पूरी तरह से सास ससुर का ध्यान रखने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे पराये जैसा महसूस करवा देती थी। एक दिन ऐसे ही संध्या डाइनिंग टेबल पर बैठकर दोपहर का खाना खा रही थी। उसकी सास ने खाना खा लिया था और वह सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। संध्या जब खाना खाकर उठी तो उसकी सास बोल पड़ी, अरे बहू, आज तो तुमने 2 रोटियां ज्यादा खा ली, लगता है आज सब्जी तुमने जानबूझकर ज्यादा स्वादिष्ट बनाई थी ताकि तुम ज्यादा रोटियां खा सको, और रोटी भी तो तुमने एक्स्ट्रा बनाई होगी, तभी तो तुमने 2 रोटियां ज्यादा खाई। यह सुनते ही संध्या हैरानी से अपनी सास के चेहरे की ओर देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि मम्मी जी तो टीवी देख रही थी, फिर इन्होंने मेरी रोटियां कब गिन ली, वह तो खुद भी रोटियां गिनकर नहीं खा रही थी, आज सुबह उसने नाश्ता ठीक से नहीं किया था, तो दोपहर में उसे बहुत तेज भूख लगी थी इसलिए वह थोड़ी ज्यादा रोटियां खा गई थी। उसे नहीं पता था कि उसने कितनी रोटियां एक्स्ट्रा खाई हैं, क्योंकि वह रोटियां गिन ही नहीं रही थी, लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि उसकी सास उसके खाने पीने पर नजर रखती है। खैर, अभी उसकी शादी को 4 महीने ही हुए थे तो वो सास को अभी ठीक से समझ नहीं पाई थी, इसलिए वो धीरे से मुस्कुराई और चुपचाप रसोई में चली गई। हालांकि उसे यह बात बड़ी बुरी लगी थी कि घर में उसकी रोटियां गिनी जा रही हैं। वह तो कभी किसी की रोटियां नहीं गिनती थी, अंदाज से ही वो खाना बनाती थी और सबके लिए प्यार से खाना बनाती थी, सबका खाना हो जाता था और कभी कभार 1-2 रोटियां ज्यादा बच जाती थी तो अगले समय के खाने में वह रोटियां गर्म करके खा लेती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में कभी उसकी खाई हुई रोटी भी कोई गिनेगा। मायके में जब वह रोटी खाती थी तो उसकी माँ तो बिना पूछे ही थाली में और ज्यादा रोटियां डालती रहती थी। माँ तो ऐसी होती है कि बच्चे कितने भी रोटियां खाए वो चाहती है कि उनका बच्चा थोड़ा और खा ले,
लेकिन यहाँ पर सास की सोच जानकर उसे थोड़ा दुख हुआ था। एक सप्ताह के बाद एक दिन सुबह सवेरे वह घर की सफाई कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके मामा ससुर खड़े थे। उसने झट से उनके पैर छुए। मामा जी ने उसे आशीर्वाद देकर एक थैला पकड़ाते हुए कहा, लो बहू, इसमें कुछ मिठाइयां हैं और घर का बना हुआ घी है। सर्दियां आने वाली हैं, मैं हर साल यहाँ के लिए घी लेकर आता हूँ, तो सोचा कि इस बार घी भी दे दूंगा और तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। शादी के बाद तो तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। यह सुनकर संध्या हौले से मुस्कुरा उठी और रसोई में उनके लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने के लिए चली गई। हॉल में उसकी सास और मामा जी बैठकर बातें कर रहे थे। चाय नाश्ता करने के बाद वो वापस जाने की तैयारी करने लगे तो संध्या की सास कहने लगी, अरे भैया, इतनी जल्दी क्या है जाने की, एक दो दिन रुक जा। तो वह कहने लगे, नहीं, वहां घर पर बहुत सारा काम फैला हुआ है, मैं फिर कभी आऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चले गए। जब दोपहर के खाने का समय हुआ तो उसकी सास अपने मायके से लाया हुआ घी एक कटोरी में निकाल कर ले आई और दाल में मिलाकर खाने लगी। जब उनका खाना हो गया तब संध्या भी खाना खाने के लिए बैठी। उसे भी घी बहुत पसंद था तो उसने भी उस कटोरी में से एक चम्मच घी निकालकर अपनी सब्जी में डाल दी। ऐसा करते हुए उसकी सास ने देख लिया था। वह तुरंत ही लपकती हुई वहां पर आई। उन्होंने झटके से कटोरी उठाते हुए कहा, ये क्या बहू, तुमने अपनी सब्जी में घी क्यों डाली? संध्या हैरानी से बोली, मम्मी जी, मुझे भी घी खाने का मन कर रहा था और मुझे सब्जी में घी डालकर खाना पसंद है। आपने दाल में घी डाला था ना, तो उसी तरह मैंने सब्जी में घी डाल ली, तो इसमें गलत क्या है? उसकी सास गुस्से में कहने लगी, देखो बहू, ये घी मेरे मायके से आया है, तो घी सिर्फ मेरी दाल सब्जी में डालो। बहू हैरान रह गई, क्योंकि जब उसके मायके से कुछ भी आता था तो सास हर चीज अपने कब्जे में ले लेती थी। फिर सास को सबक सिखाने के लिए अगली बार जब बहू के मायके से मिठाई और फल आया तो उसने थोड़ी थोड़ी फल और मिठाइयां सभी को बांट दी और बाकी का सारा सामान लेकर अपने कमरे में जाने लगी। तब उसकी सास ने उसे टोकते हुए कहा, अरे बहू, यह सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो? सारा सामान मेरे कमरे में रखो। तब बहू ने करारा जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, अगर आपके मायके से घी आता है तो वह सारा घी आपका है, तो फिर मेरे मायके से आए हुए सामान भी मेरे ही हुए ना। मैंने तो फिर भी सभी लोगों को फल और मिठाइयां दी हैं, लेकिन आप तो कुछ भी शेयर करना नहीं चाहती। पिछली बार जब आपके मायके से घी आया था तब आपने मुझे ताना मारा था कि तुम्हारे मायके वाले घी नहीं भेजते हैं, तो मेरे मायके से आए हुए घी पर से नजर हटा लो। मम्मी जी, अगर मेरे घर में भी गाय होती तो मेरे मायके से भी घी आता, लेकिन अगर आपके मायके से घी आया है तो इस घर की बहू होने के नाते क्या उस घी में से थोड़ा सा घी लेने का मुझे अधिकार नहीं है? अरे, बाजार से घी तो आता ही है, लेकिन घर के घी की बात ही कुछ और होती है। उसके सौंधेपन की खुशबू के कारण ही मैं थोड़ा सा घी लेने गई थी, लेकिन आपने तो मुझे इतना कुछ सुना दिया कि अब दोबारा मुझे घी को हाथ लगाने की इच्छा तक नहीं होती है। सबके सामने बहू ने यह बात उठाई थी तो सब लोग प्रश्न भरी नजरों से उनकी ओर देखने लगे। संध्या की सास सकपका गई थी। उन्होंने तो अकेले में बहू को डांट दिया था कि मेरे मायके से आए हुए घी का इस्तेमाल मत करना, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बहू इस तरह से सबके सामने यह मुद्दा उठाएगी। उन्होंने धीरे से कहा, अरे बहू, वह तो मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था, तुम्हें जब घी खाना है खा सकती हो, और यह मिठाई और फल अपने कमरे में मत रखो, सभी घर वालों को खाने दो, ऐसे भला कोई करता है क्या? अब सास अपनी बात से पलट रही थी, लेकिन संध्या को भी बात ज्यादा आगे बढ़ाकर घर में तनाव का माहौल उत्पन्न नहीं करना था, तो उसने भी फल और मिठाइयों का डिब्बा वहीं पर रख दिया। दोपहर में जब वो खाना खाने के लिए बैठी तो उसकी सास ने खुद एक कटोरी में घी लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अपनी बहू से बोली, लो बहू, जितना घी खाना है खा लो, मैं तुम्हें घी खाने से क्यों रोकूंगी। संध्या मन ही मन मुस्कुराते हुए घी खाने लगी और सोचने लगी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, संध्या ने सबके सामने यह मामला उठाकर सही किया था या नहीं? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संजय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।